हेलो भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले भाई किया सोनेट के 5 यूनिक की फीचर्स के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ी लिया हुआ, तो भाई ये है इसकी चाबी। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं सारे फीचर्स आपको बड़े यूनिक फीचर्स बता स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लो भाई कुछ ऐसी की है इसकी। तो सबसे पहले तो भाई नॉर्मल सा ये लॉक है, ये देख लो, ये अनलॉक, और इसको एक बार लॉक करके ये जो है बूट वूट ओपनिंग है, ठीक है। इसको दबाएंगे तो बूट बस अनलॉक होगा, ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करें, सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है, भाई चाबी लो अपना यहाँ पे, देखो ऐसे जेब में डालो और भाई कार के पास जाओ, और ये देखो भाई ये इसको यहाँ के कार जो हमारी अनलॉक हो गई आराम से जाके। देखो भाई चाबी मतलब आपको जेब से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ गए, यहाँ पर प्रॉपर स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है, इसको दबाएंगे क्लच दबा के तो गाड़ी जो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया भाई पहला फीचर जो कि आप देख पा रहे होगे, किले सेंटर बेसिकली। और यहाँ पे देखो फिर से वापस किया, कार जो हमारी लॉक हो चुकी है। तो भाई इसमें एक ही रिक्वेस्ट सेंसर आता है, ठीक है। मैं पहले आपको बता दूं कि ये, क्योंकि भाई हिंडे किया का ये कि एक ही रिक्वेस्ट सेंसर। अब बात करते हैं भाई फीचर नंबर सेकंड जो कि भाई आता है हमारे किया सोनेट में, एसटेक्स प्लस वेरियंट है जैसा कि आपको बताइए। तो भाई इसमें सेकेंड फीचर है कि जैसे ये जो चाबी है, ठीक है, इसको आप ये आपके जेब में है, ठीक है, और जैसे आप कार के पास जाते हो ना, तो भाई देखो कार आपको किस तरीके से वेलकम करेगी। देखो मैं कार के पास गया, देखो मिरर अपने आप फोल्ड हो गया, अभी गाड़ी जो है लॉक है, देख लो गाड़ी जो है लॉक है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इससे दूर जाऊंगा मिरर्स को देखना, ठीक है, मैं ऐसे दूर चला गया, अभी आप देखना थोड़ा सा ये टाइम लेगी और फिर ये अपने आप देखना क्या करेगी। तो अभी सेंस कर ली कि मैं दूर हूँ, तो ये देखो वापस, अब जैसे ही मैं वापस से कि मैं कार वार खोलने जा रहा हूँ, ये देखो फिर से ये ओपन हो गया, ठीक है। तो भाई ये जो फीचर है काफ़ी सही फीचर है, लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है ना, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, बार बार कार के आसपास जा रहे हो, चाबी आपके पॉकेट में, तो यार कई बार ये मिरर ओपन बंद होता है, तो कई बार इरिटेट भी कर सकता है ये, ठीक है भाई। तो ये था भाई सेकंड फीचर, काफ़ी यूनिक फीचर, देखो वापस से बंद। तो भाई अब बात करते हैं यहाँ थर्ड फीचर की। काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दो। ये देखो जैसे कि हम लॉक अनलॉक करते हैं, तो भाई कुछ इस तरीके से किया कि कार्स में जो साउंड आता है, जैसे कि देख पाओ कई बार यार ये रात वगैरह में थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो इसको बंद करने का भाई सिंपल सा है, मतलब सिर्फ ये जो हॉर्न की आवाज़ है म्यूट कर सकते हैं हम। इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर पहले चाबी रख देता हूँ। ये जो लॉक अनलॉक बटन को आपको एक साथ दबा के रखना है, ठीक है, देखना यहाँ पे लाइट्स को देखना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे दबा के रखा हूँ, ये देखो ये लाइट मारा इसने, चार ब्लिंक मारेगी, उसके बाद देखना जैसे ही मैं इसे वापस लॉक करूँगा ना, आवाज़ देखो एकदम बंद हो गई, देख पा रहे होगा आप लोग भाई, प्रॉपर इसकी पूरी साइलेंट हो चुकी है कार। तो कई लोग का भाई ये भी पसंद है कि भाई आवाज़ ना करे, तो उनके लिए अब देखो वापस मैं जैसे इसको इसमें वो वापस साउंड लाना है, तो ये देखो ये जो लॉक अनलॉक बटन को फिर से मैं दबाऊँगा, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ देखना अभी इंडिकेटर्स को देखना, मैंने दबा रखा है, ये देखो फिर से जो है हमारी वापस से चालू हो चुकी है इसका। तो ये भाई एक ये भी फीचर है, काफ़ी ज़्यादा सही यूज़फुल फीचर है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है, खासकर जैसे आप रात वगैरह में कार वार लेके जा रहे हो, तो आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी को, तो उनके लिए सब। अब ये चौथा की फीचर है कि भाई आपको पता होगा कि जैसे आजकल की जो कार्स हैं इनमें क्या होता है कि आप बस यहाँ जैसे कार को अनलॉक कर लो, या आपके हाथ में जैसे सॉरी पॉकेट में चाबी है, हाथ में चाबी है, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर प्रॉपर दे रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखो कुछ इस टाइप का रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बस हाथ लगाना है और कार जो है बस बूट अनलॉक होगा, ठीक है, प्रॉपर ऐसे ऐसे बूट इसका अनलॉक हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मान लो आपने कुछ सामान रखा आपके, ठीक है, और गलती से क्या हुआ कि आपसे जो चाबी है वह यहीं पे गार में रह गई, जैसे ये जो है मान लो गलती से ऐसे गिर गई या कुछ भी हो गया बाई चांस, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पर बंद करेंगे ना, देखो आवाज़ आ रही है आपको, देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, देखो ये देखो अभी जो बूट हमारा लॉक ही नहीं हुआ है, ये देख पा रहे हो आप प्रॉपर भाई क्या सही चीज़ है ये। अब मोस्टली कार्स में आ गया, लेकिन कई सारे में आज भी नहीं है, कई बार भाई चाबी लॉक हो जाती है। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखो बाई चांस यहाँ पे चाबी ऐसे गिर गई, ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे बूट देखो बस बूट है, पहले मैं दिखा दूँ, ये देखो पूरी गाड़ी जो है अनलॉक हो चुकी है। क्यों हुई है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, देखो मैं फिर से आपको एक बार गाड़ी लॉक कर देता हूँ, ये देखो ये कर दी मैंने गाड़ी लॉक, ठीक है, ये मैंने इसे की से लॉक कर दी, ये देखो ठीक है, मेरे से चाबी जो इसमें गिर गई है, ठीक है। अब देखना जैसे ही मैंने इसे बंद किया, प्रॉपर आवाज़ कर रही है, ठीक है, सारे गेट्स में इसका अनलॉक हो चुके हैं, ये देख लो बूट भी इसका अनलॉक है, और जैसे ही मैं चाबी को यहाँ से बाहर निकालूंगा गाड़ी आवाज़ अब नहीं करेगी, ठीक है। और इसका अगर ये बात करें तो ये जो है सारे पूरी कार अनलॉक हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही फीचर है भाई। नेक्स्ट फीचर की मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है भाई ये वाला फीचर। तो मान लो कि आप जो है कार अनलॉक करके आप अपना बैठ गए, ठीक है,
और आपने जो है मतलब कहीं आप गए थे मतलब यहाँ पे आपने चाबी ऐसे रख दी, देखो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर किया आपने भाई कार वार मतलब कहीं ले गए, उसके बाद जो है आप गाड़ी से जैसे यहाँ पे क्योंकि बटन आपको पता है, ये देख लो यहाँ पे जो प्रॉपर स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो जैसे मान लो आपने कार को बंद किया और आप जो ऐसे निकल गए बाहर गाड़ी से और आप जो चाबी भूल गए, ठीक है। अब देखो गाड़ी कैसे सेंस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाबी गाड़ी के अंदर है वो देख लो, प्रॉपर वहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया उस तरह से। मैं जो यहाँ पे गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ, देखो आवाज़ सुनी, फिर से सुनाता हूँ मैं आपको, डिकोर सेंसर दबाऊँगा और ये आवाज़ जो है आवाज़ करेगी और भाई ये लॉक ही नहीं होगी, सबसे बढ़िया चीज़ है ये, कल को आपकी चाबी अंदर ना जाए। और ये जब देखो जैसे आप गाड़ी की चाबी बाहर निकालोगे बंद करोगे तो भाई ये देखो प्रॉपर लॉक हो गए। तो ये था भाई हमारा फिफ्थ फीचर जो कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी सही फीचर है ये। तो भाई ये कैसी लगी आपको भाई किया सोनेट के की फीचर्स? भाई ये पांच की फीचर थे क्योंकि मैंने सोचा भाई आप लोगों को बता जाए, यूनिक की फीचर्स कह सकते हैं। तो भाई कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, वीडियो को भाई थोड़ा शेयर करो, सपोर्ट करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो और भाई कमेंट करना कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए इस कार के ऊपर। तो भाई वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।